Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And today I am going to discuss the very recent, very up-to-date, very, you can say, relevant topic for all of us. All of us who belongs to the academic fraternity. Okay, and the term is plagiarism, Sahityik Chori. जितनी बात इस टॉपिक पर आजकल हो रही है और जितना रेलेवेंट ये टॉपिक आजकल हो गया है उतना मतलब उसका सानी कोई नहीं है. तो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर एंड प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि प्लेजरिज्म का तो लेना देना सबसे है, इन सभी के लिए टॉपिक यूजफुल होगा. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने आपसे पहले भी बात की है जब आपसे एकेडमिक इथिक्स इन रिसर्च इथिक्स की बात की थी, जब आपसे गुड प्रैक्टिसेस इन रिसर्च, इस तरह की जितनी भी बातें हुई थी उनमें सब में कहीं ना कहीं प्लेजरिज्म आया था. और मैं चाह रही थी कि प्लेजरिज्म पे आपसे अलग से बात हो जाए, टाइम ही मिल रहा था. तो आज यहाँ मैं उपस्थित हूँ आपके साथ साहित्यिक चोरी पर बात करने के लिए. तो जब जब प्लेजरिज्म की बात होगी तब तब एकेडमिक या साइंटिफिक राइटिंग की बात होगी. क्यों? क्योंकि हम राइट करना चाहते हैं, हम कुछ लिखना चाहते हैं, हमारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ क्रिएशन है. उसी में जब हम आप कह सकते हैं इथिकल मीन्स का यूज नहीं करते हैं तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है. तो कैसे, क्या, ये बात इसमें समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले साइंटिफिक राइटिंग या आप कह सकते हैं एकेडमिक राइटिंग, जो हम जो बस ऐसे ही कुछ लिखना नहीं है, जबकि हम कुछ सिलसिलेवार तरीके से, कुछ वैज्ञानिक तरीके से, कुछ शोध करने के बाद कुछ लिख रहे हैं, वो सब एकेडमिक या साइंटिफिक राइटिंग के अंतर्गत आएगा. तो साइंटिफिक राइटिंग क्या है? इट कैन बी ए कॉग्निटिवली डिमांडिंग एंड आर्डुअस प्रोसेस फॉर इट साइमल्टेनियसली डिमांड्स एक्सेप्शनल डिग्रीज ऑफ क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस. ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक राइटिंग क्या है, कि हमको एक्सेप्शनल डिग्री मतलब बहुत उत्कृष्ट कोटि का उसमें शुद्धता चाहिए, क्लियर हो वो, क्लैरिटी हो उसमें, और कंसाइजनेस हो, मतलब छोटा भी हो, मतलब कंसाइज हो, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ ना हो. टू एलिमेंट्स दैट ऑफन क्लैश विद ईच अदर. बल्कि जनरली हमको क्या लगता है कि अगर हम क्लियर करना चाहेंगे, क्लैरिटी उसमें लाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कि हम कंसाइज होते हुए भी क्लैरिटी रखें. ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक राइटिंग ऐसा कुछ है. इन एडिशन, एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक एंटरप्राइज आर ऑल्सो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग. वो कह रहे हैं जो वैज्ञानिक लेखन होता है उसके क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं. कौन कौन सी? एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो एक्यूरेट हो, आप गलत नहीं लिख सकते हैं, कुछ गलत आप नहीं बताएंगे, है ना. आप साइंटिफिकली कुछ लिख रहे हैं तो वो एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी पारदर्शी, सबको पता हो कि आप कैसे अपने निष्कर्ष पर पहुंचे हैं. गुड साइंटिफिक राइटिंग मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर एक्सप्रेशन, कंसाइजनेस, एक्यूरेसी एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑनेस्टी. देखिए, जैसे ही बात ऑनेस्टी की आती है वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि जहां हम ऑनेस्टी छोड़ेंगे, जहां हमने ऑनेस्ट मीन्स को छोड़ दिया, वैसे ही वो प्लेजरिज्म के अंतर्गत आएगा. गुड साइंटिफिक राइटिंग मस्ट बी कैरेक्टराइज, वो कह रहे हैं कि अच्छा वैज्ञानिक लेखन क्या है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, कि क्लियर एक्सप्रेशन, यानी कि जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो उसमें स्पष्टता दृष्टिगोचर हो, कंसाइज हो, एक्यूरेट हो, सही हो, एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि हम ईमानदारी से लिखें, जो हमने रिसर्च के दौरान निकाला है, जो हमारा निष्कर्ष आया है हम वही लिख रहे हैं, वो ऑनेस्टी है. अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से होता क्या है, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च ऑफन टेक्स प्लेस विद इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड कंपीटिंग प्रेशर्स. वो कह रहे हैं कि जितना भी आपका वैज्ञानिक शोध है, अब इसमें इसका ये मतलब मत समझिएगा कि साइंटिफिक है तो सोशल साइंटिफिक नहीं है. रिसर्च का मतलब ही है कि हम चाहे वो सोशल साइंस की हो या साइंस की रिसर्च हो, आप साइंटिफिक रिसर्च की जगह सिर्फ रिसर्च समझ सकते हैं. कि मॉडर्न रिसर्चेस जो हो रही हैं, जो नवीन अनुसंधान हो रहे हैं, वो क्या होते हैं कि बहुत सारे उसमें कंस्ट्रेंट्स आते हैं, बाधक है, ये भी इसमें कंस्ट्रेंट है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, और हम बहुत प्रेशर के अंतर्गत उसको करते हैं. तो जनरली हम उसको मतलब उतने सही तरीके से नहीं कर सकते, नहीं कर पाते जितना करना चाहिए. As a result, a portion of the scientific literature, whether generated by students of science or by seasoned professionals, is likely to be deficient in one or more of the above components. So, कह रहे हैं कि इसके बाद होता क्या है, चूंकि हम प्रेशर में कर रहे हैं, चूंकि हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं, हमको जितने इक्विपमेंट चाहिए था, जो हमको फैसिलिटी चाहिए थी वो हमको नहीं मिली है, तो ये जो अबव कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, क्लियर एक्सप्रेशन, आपका एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, ये हम लैक करते हैं.
scientific plagiarism is perhaps the most serious and the most widely recognized ethical lapse. है ना, इथिकली हमसे जो सबसे बड़ी गलती हो रही है वो जो उसमें जो सबसे सीरियस आप इसका नाम दे सकते हैं वो साहित्यिक चोरी है. नाम से ही स्पष्ट है कि हमने क्या किया है, चुराया है कहीं से. तो प्लेजरिज्म के बारे में जाने तो टेकिंग ओवर द आइडियाज मेथड्स और रिटन वर्ड्स ऑफ एनदर, यानी कि जो दूसरे हैं, मतलब हम आप किसी दूसरे का क्या ले रहे हैं, या तो विचार ले रहे हैं या उसकी मेथडोलॉजी मेथड उसका फॉलो कर रहे हैं, जैसे उसने किया वैसे वैसे हम भी कर लें, या उसने जो लिखा है वो हमने दूसरे का ले लिया है, टेकिंग ओवर, हमने उससे टेक ओवर कर लिया है विदाउट एक्नॉलेजमेंट, और हमने ये उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया है कि हमने आपसे लिया है. एंड विद द इंटेंशन दैट दे बी टेकन एज द वर्क ऑफ द डिसीवर, और इस उद्देश्य से हमने ये लिया है कि ये लगे कि ये काम जो डिसीवर है, जो गलती कर रहा है, उसका अपना है. समझे, मतलब कि बहुत अब पॉपुलर हो गया है प्लेजरिज्म, बहुत बात इस पर हो रही है, बहुत नियम कानून इस पर बन गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो अभी भी इससे अनजान हों, जो इससे इसके बारे में कम जानते हों, जो स्टूडेंट्स, जो जो रिसर्चर्स, वो जाने कि हम किसी दूसरे का आइडिया ले लें, किसी दूसरे का मेथड ले लें, किसी दूसरे के लिखे हुए शब्द ले लें, उसको एक्नॉलेज नहीं करें, मतलब हम बताएं नहीं कि हमने कहाँ से लिया है, और हम अपने नाम से उसको दिखा दें कि ये हमारा काम, आइडिया या मेथड है, तो वही प्लेजरिज्म है. और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने इसको, ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने डिफाइन किया है इसको 1989 में, मतलब बहुत पुरानी डेफिनेशन नहीं है. इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रेजेस सच एज किडनैपिंग ऑफ वर्ड्स, किडनैपिंग ऑफ आइडियाज, फ्रॉड एंड लिटरेरी थेफ्ट. मतलब इसको और किन शब्दों से जोड़ा जाता है कि ये किडनैपिंग है, मतलब हमने किडनैप कर लिया है दूसरे के शब्दों को, दूसरे के आइडियाज को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया है, हमने धोखाधड़ी की है, या हमने साहित्यिक चोरी की है, लिटरेरी थेफ्ट. और जो मेरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी है वो कैसे डिफाइन कर रही है प्लेजरिज्म को, ये कह रहे हैं कि प्लेजरिज्म दो तरीके का है, या तो प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज है या प्लेजरिज्म ऑफ टेक्स्ट है, यानी या तो हमने विचार चुराए हैं या हमने टेक्स्ट ही चुरा लिया है. तो विचार अगर चुराए हैं किसी से तो क्या है उसका मतलब, कि अप्रोप्रिएटिंग समवन एल्स आइडिया इन होल और इन पार्ट और विद सुपरफिशियल मॉडिफिकेशंस विदाउट गिविंग क्रेडिट टू इट्स ओरिजिनेटर, यानी कि किसी और के विचार को या तो पूरी तरीके से या थोड़ा हमने ले लिया, थोड़ा बहुत उसमें बस रूपांतरण किया, चेंजेस किए, बिना हमने जो ओरिजिनल जो आइडिया का क्रिएटर था, ओरिजिनेटर था, उसको हमने कोई क्रेडिट नहीं दिया और कह दिया कि हमारा विचार है. तो ये हो गया प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज. और प्लेजरिज्म ऑफ टेक्स्ट क्या होगा, कॉपीइंग अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अनदर सोर्स विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट टू इट्स ऑथर, यानी कि हमने क्या किया, आप तो जब से ऑनलाइन आ गया, आप सिस्टम पे काम करने लगे, डेस्कटॉप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हमने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी तो सबको बताया कि हमने कॉपी किया, फिर हमने पेस्ट किया, तो आपने क्या किया कि एक पोर्शन टेक्स्ट का हमने किसी दूसरे सोर्स से लिया, और सोर्स से लिया तो लिया लेकिन विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट, और आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं उसके ऑथर को कि हमने वहां से लिया है, तो ये प्लेजरिज्म है. इन सम प्लेजरिज्म कैन बी अ वेरी सीरियस फॉर्म ऑफ इथिकल मिसकंडक्ट. तो आप टोटैलिटी में क्या कह सकते हैं कि साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म एक बहुत मतलब सीरियस तरीके का, मतलब लाइटली आप इसको नहीं दे सकते, गंभीर ये एक तरीका है, एक फॉर्म है किसका, इथिकल मिसकंडक्ट, यानी कि आप नैतिक रूप से कुछ गलत कर रहे हैं, उसका एक ये सीरियस फॉर्म है जिसका कि नाम प्लेजरिज्म दिया गया है. ठीक है, अच्छा अगर इसकी ओरिजिन की बात सोचे, ऐसा तो नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ पिछले 20-50 सालों में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ऐसा नहीं है. dictionary.com states that plagiarism came from the Latin word plagiarius, which means kidnapper. ये कह रहे हैं ना कि plagiarism of text है या plagiarism of ideas है, तो हमने words या ideas को kidnap कर लिया है, तो जो ये Latin words से इसकी उत्पत्ति हुई है plagiarism, उसका मतलब ही है kidnapper, जो अपहरण करता. However, the word plagiarism was only used in the English language sometime around the 1600s. यानी कि 300-400, मतलब 300 क्या, 2000 चल रहा है ना, 2024 चल रहा है, तो मतलब लगभग 425 साल पहले इस शब्द को अंग्रेजी भाषा में यूज किया गया. The first English copyright law was passed in the year 1709. 1709 में पहला copyright law पास किया गया. Plagiarism derives from the Latin word plagiaris, ये तो हो गया,
अच्छा ये रिपीटेटिव हो गया. द फर्स्ट आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक वॉज रिटन बाई हेल्स्टेड जी बी अपियर्ड इन साइंस इन 1896 अंडर द टाइटल कॉम्प्लीमेंट और प्लेजरिज्म एंड सिंस देन हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स हैव बीन रिटन ऑन दिस टॉपिक. वो कह रहे हैं कि मतलब ये लैटिन वर्ड प्लेजियरियस से लिया गया है, उसका अर्थ किडनैपर होता है. अंग्रेजी भाषा में ये कुछ करीब 1600 के आसपास यूज किया गया. बेन जॉनसन एक ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने यूज किया ये शब्द. और ये कह रहे हैं कि पहला आर्टिकल जो इस टॉपिक पे लिखा गया है वो हाल्स्टेड जीबी ने लिखा है साइंस में, मतलब मैगजीन का जर्नल का जो भी है नाम होगा ये 1896 में, और जिसका की टाइटल था कॉम्प्लीमेंट और प्लेजरिज्म, यानी कि आप या तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या चुरा रहे हैं कुछ. और उसके बाद से सैकड़ों हजारों आर्टिकल्स इस टॉपिक पर लिखे जा चुके हैं. मतलब काफी पुराना ये कंसेप्ट है, इसमें नवीनता नहीं, मतलब एकदम रेलिवेंट रीजन नहीं. रेलिवेंट इसलिए है मतलब हाल फिलहाल में उस पर बात बहुत की जाने लगी है, पहले बात नहीं की जाती थी, लेकिन इसकी उत्पत्ति बहुत पहले की है. टाइप्स देखिए, अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन, गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाते हैं. मतलब मैंने तो 5 लिखे हैं, आपको 10-11 टाइप्स के मिल जाएंगे. बट मेन जो है वो यही है, ग्लोबल प्लेजरिज्म, वर्बेटिम प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, पैचवर्क प्लेजरिज्म और सेल्फ प्लेजरिज्म. देखिए ग्लोबल प्लेजरिज्म का क्या मतलब है कि हमने पूरा कहीं से ले लिया, ग्लोबल पूरा, मतलब हम नेट पे गए, हमें किसी का आर्टिकल मिला, हमने अगर वो पीडीएफ में था भी तो हमने उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट किया और हमने क्या किया, पूरा कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ऑल किया, फिर कंट्रोल सी किया, फिर कंट्रोल वी किया दूसरे फ्रेश पेज पे, और वहां से हमने डिलीट किया ऑथर का नाम और वहां टाइप किया अपना नाम और ये हमारा हो गया. मतलब ग्लोबल प्लेजरिज्म, पूरा का पूरा मैटर एज इट इज हमने ले लिया है. और एक्नॉलेजमेंट तो दोनों से दूर की बात है, मतलब हमने वहां से ऑथर का नाम ही हटा दिया, डिलीट मारा वहां पे और हमने अपना नाम वहां टाइप कर लिया, यानी कि किसी और के काम को हमने पूरा का पूरा अपने नाम से दे दिया है. ये जो है वो ग्लोबल प्लेजरिज्म का टाइप है. अब ये कम हो गया बिकॉज प्लेजरिज्म पे इतनी बात हो रही है, वहां से चेक किया जाता है प्लेजरिज्म का लेवल, तो अब हम ये नहीं कर पाते हैं. लेकिन शुरू में जब ये शुरू हुआ था, मतलब प्लेजरिज्म पे इतनी बात नहीं हो रही थी, 2018 का रेगुलेशन नहीं आया था, तो ग्लोबल प्लेजरिज्म भी चल रहा था बहुत. फिर होता है वर्बेटिम प्लेजरिज्म. वर्बेटिम प्लेजरिज्म का मतलब है कि हमने वर्ड टू वर्ड ले लिया है, उनसे पूरा का पूरा तो नहीं लिया लेकिन जहां से लिया पूरा वर्ड टू वर्ड ले लिया, मतलब एक भी शब्द का हमने हेर फेर नहीं किया है, वो वर्बेटिम प्लेजरिज्म है. फिर है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म. पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे संक्षिप्त व्याख्या करना. तो देखिए पैराफ्रेजिंग अगर हम सही ढंग से करें तो ये प्लेजरिज्म को अवॉइड करने का भी तरीका हो सकता है, लेकिन हम चूंकि इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग करते हैं इसलिए ये प्लेजरिज्म में आ जाता है. क्या मतलब, जैसे कहा जाता है आपसे कि भाई हम कितना ओरिजिनल लिखेंगे, हम आइंस्टीन नहीं हो सकते, हम प्लेटो अरस्तु नहीं है कि हम पूरा बस हमें मतलब उठाया किसी टॉपिक पर लिखते जा रहे हैं, इतने विचार हमारे पास नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी के विचारों से प्रभावित हम होते हैं तब हम कुछ लिखते हैं. तो लेकिन ये कह रहे हैं कि आप संक्षिप्त व्याख्या तो कीजिए लेकिन आप अपने शब्दों में लिखिए, मतलब आप उनसे समझ लीजिए, उनसे प्रभावित हो जाइए जिनका कि मैटर आप पढ़ के लिखने जा रहे हैं, लेकिन आप उनके शब्द मत कॉपी कीजिए. और जब आप उसको पढ़ के उसको बंद करके अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा और आप इतना दूसरे के विचारों पर निर्भर कर सकते हैं. बिकॉज ऑल ऑफ अस कैन नॉट बी द सोल ओरिजिनेटर ऑफ सो मेनी आइडियाज, ना हम लोग इतने काबिल नहीं है, हम किसी ना किसी के को पढ़ के ही हम लिख सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं. तो पैराफ्रेजिंग अगर सही तरीके से की जाए तो वो प्लेजरिज्म की श्रेणी में नहीं आएगी. बट जनरली हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं उसी में से कुछ शब्द हटा देते हैं और हमको लगता है कि छोटा हो गया. जनरली बचपन में भी जब हम लोगों से कहा जाता था कि समरी लिखनी है तो वो काम सबसे मुश्किल लगता था कि, और जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे हम लोग को हिंदी का अक्सर एक मतलब टेस्ट होता था या का हमें टास्क दिया जाता था कि प्रस्तुत पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखो. सब ने इसको फेस किया होगा. तो मुझे ऐसा लगता था कि सारी लाइनें तो जरूरी लग रही हैं तो इसमें से कौन सी लाइन हटाएं. तो मैं अपने पापा से पूछती थी तो वो मुझसे कहते थे कि पढ़ के समझ के लिखो अपने शब्दों में. तो उस वक्त वो शायद मुझे पैराफ्रेजिंग सिखा रहे थे और वो ये सिखा रहे थे कि प्लेजरिज्म कैसे नहीं करना है, लेकिन तब छोटे थे, बच्चे थे, नहीं आता था उतने अच्छे से लिखने से, कहते थे पापा हमसे नहीं हो रहा है, तो अक्सर वही मुझे लिख के दे देते थे और मेरा उससे काम चल जाता था. पर अब आप समझ सकते हैं कि सारांश नाम में क्या, सार धन अंश,
यानी कि उसका हमें बिल्कुल निचोड़ के रख देना है कि चीज वही आ जाए लेकिन हमने अपने शब्दों में लिखा, तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो आपका प्लेजरिज्म की श्रेणी में नहीं आएगा। बट चूंकि हम सही ऐसा नहीं कर पाते हैं इसलिए पैराफ्रेजिंग भी प्लेजरिज्म की श्रेणी में चला गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, टिल्ट है ये ना। अक्सर में जब मतलब आप सुपरफिशियली पढ़िए तो आप कहते हैं पैराफ्रेजिंग कैसे प्लेजरिज्म हो सकता है, पैराफ्रेजिंग तो ठीक है हमने किसी का पढ़ा है और फिर हम अपने शब्दों में लिख रहे हैं। तो संक्षिप्त व्याख्या प्लेजरिज्म नहीं है, इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म है, ऐसे समझ लीजिए। और पैच वर्क प्लेजरिज्म क्या है, ये हमने कई आर्टिकल निकाल रखे हैं जिस आर्टिकल जिस टॉपिक पे हमको लिखना है, कोई भी आर्टिकल लिखना है, कोई पेपर लिखना है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, और हमने थोड़ा सा इनसे लिया, थोड़ा सा इनसे लिया, थोड़ा सा इनसे लिया, पैच वर्क मोज़ेक टाइप का बना दिया, तो वो भी प्लेजरिज्म है और हम एक्नॉलेज रिसीव करेंगे नहीं। और सेल्फ प्लेजरिज्म देखिए ये अक्सर मतलब अभी भी लोग इसको नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं और उनको लगता है कि ये तो प्लेजरिज्म कैसे हो सकता है। क्या मतलब है सेल्फ प्लेजरिज्म का, कि हमने मान लीजिए एक आर्टिकल लिखा, मान लीजिए हमने जेंडर इश्यूज पे कोई आर्टिकल लिखा, हम समझते हैं कि हमारा जेंडर पे स्पेशलाइजेशन है और हम जेंडर इश्यूज पे आर्टिकल लिख रहे हैं, हमने लिख लिया उसको, हमने उसको पब्लिश करा दिया, तो उसका हमारा वो बन गया ना साइटेशन बन गया। फिर हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा आर्टिकल हम लिखने जा रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत जेंडर से मिलता जुलता है, तो हम फिर क्या करेंगे अपने पुराने वाले पेपर से ही, जैसे मान लीजिए टाइप्स है, हेडिंग्स है, कुछ ऐसा है, उसको हम वहीं से वहीं कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे और हमको लगेगा कि ये प्लेजरिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ही ने तो लिखा था, तो हमने लिखा था तो हम दोबारा लिख दे रहे हैं, तो वो कैसे प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। बट ये भी प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आता है, ये भी चोरी है। क्यों? क्योंकि एक बार वो पब्लिश हो चुका है, एक बार उसका हम कह सकते हैं उसका हमको मतलब ये मिल चुका है कि हमारा पेपर यहाँ फला 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 जर्नल में पब्लिश है, तो आप अगर उसको आप अगर उसको यूज कर रहे हैं तो आपको अपना भी रेफरेंस डालना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने पीएचडी की है और पीएचडी का किसी मैटर को आप अपने किसी पेपर में यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी पीएचडी का रेफरेंस दीजिए कि आपने वहां से लिया है, यानी कि अपने आप को भी आप एक्नॉलेज कीजिए। ये तरीका है सही सेल्फ प्लेजरिज्म से बचने का। बट जनरली लोग ऐसा नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने ही तो लिखा था और उसी एक पेपर से 10 पेपर और निकाल देंगे और उनको लगेगा कि प्लेजरिज्म की तुलना कैटेगरी में नहीं है। और अब तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन एवरीथिंग हो गया है, तो आप जैसे ही उसको प्लेजरिज्म चेकर में डालेंगे, आगे बात होगी उसकी, वो तुरंत बता देगा कि ये आपने यहाँ से कट कॉपी पेस्ट है, यहाँ से वो पूरा फिर से प्लेजरिज्म की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसलिए खुद को भी आपको एक्नॉलेज करना है, खुद क्या लिखा हुआ काम भी आप एज इट इज विदाउट एक्नॉलेजमेंट नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद पैराफ्रेजिंग। देखिए पैराफ्रेजिंग थोड़ा सा समझना जरूरी था क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग मुझे भी लगता था पहले। ये पैराफ्रेजिंग क्या है, इज रिपीटिंग इन योर ओन वर्ड्स। हम लिख जरूर कहीं से किसी का भाव ले रहे हैं लेकिन हम अपने शब्दों में ले रहे हैं, थॉट एक्सप्रेस इन समवन एल्स वर्ड्स। किसी और ने लिखा है, हमको अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं कि इसका भाव हमारे पेपर में आए, तो हम उसको यूज करेंगे लेकिन अपने शब्दों में। पैराफ्रेजिंग रेंजेस फ्रॉम ए वेरी लूज रीवर्डिंग ऑफ द टेक्स्ट बेसिक आइडिया ओके है टू ए नियरली आइडेंटिकल वर्जन ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ये नॉट ओके है। यानी कि बिल्कुल हमने हल्का फुल्का कुछ वहां से लिया है बेसिक आइडिया से और हमने बिल्कुल अपने शब्दों में लिख दिया है, तो वो ओके वो चलेगा। लेकिन अगर आपने जो जहां से मतलब जो मेन सोर्स है उसका लगभग आइडेंटिकल वर्जन अपने शब्दों में लिखने की तैयारी कोशिश की है, बस कुछ शब्दों के सिनोनिम बदल दिए हैं, तो वो नॉट ओके है, वो पैराफ्रेजिंग जो है वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में चली जाएगी। तो बेसिकली पैराफ्रेजिंग इज इनअप्रोप्रिएट वेयर ए रीजनेबल पर्सन वुड से दैट यू हैव स्टॉप थिंकिंग एंड राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स एंड आर सिंपली रीस्टेटिंग समवन एल्स थॉट विदाउट एडमिटिंग इट। वो कह रहे हैं कि पैराफ्रेजिंग तब इनअप्रोप्रिएट हो जाती है, अनुचित हो जाती है, जब हम क्या करते हैं कि सोचना बंद कर देते हैं और हम मतलब लिख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी को दूसरी तरीके से लिख रहे हैं, एक्टिव पैसिव बदल दिया, कुछ शब्दों के सिनोनिम बदल दिए और हम उसको एडमिट भी नहीं कर रहे हैं कि हमने किसी और का आइडिया कॉपी किया है, तो ये गलत है। 3 tips to avoid paraphrasing that could constitute academic misconduct. वो कह रहे हैं कि आप 3 तरीकों से paraphrasing को avoid कर सकते हैं जो कि आपके साहित्यिक misconduct का कारण बनती है। Don't stop thinking. यानी कि हमको सोचना नहीं छोड़ना है, मतलब सोचते रहना है कि कैसे उसको छोटा सा छोटा
अपने शब्दों में आप लिखें. कीप पैराफ्रेजिंग एज शॉर्ट एज पॉसिबल. जितना संभव हो सके हमको संक्षिप्त व्याख्या को छोटा रखना है. एंड सिग्नल योर सोर्स इन टेक्स्ट नॉट जस्ट विद द रेफरेंस. और टेक्स्ट में ही हमको बता देना है कि ये सोर्स हमने कहाँ से लिया है. सिर्फ रेफरेंस देने से काम नहीं चलेगा, तब तो आप प्लेजरिज्म से बच जाएंगे. हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, कैसे हम दूर रहें प्लेजरिज्म से, कैसे क्या करें कि हम साहित्यिक चोरी की श्रेणी में ना आए. हम नहीं चाहते हैं कि हम साहित्यिक चोरी करें, तो क्या करें. सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो क्या है, एन इथिकल राइटर ऑलवेज एक्नॉलेजेस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स टू हिज और हर वर्क. जैसे ही हम लिखना चालू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, अगर हम इथिकल राइटर हैं, हम नीतिगत तरीके से लिखना चाहते हैं, तो दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूशन को आप हमेशा एक्नॉलेज कीजिए. गाइडलाइन टू क्या है, एनी वर्बेटिम टेक्स्ट टेकन फ्रॉम अनदर सोर्स मस्ट बी इंक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स एंड बी अकॉम्पनीड बाय अ साइटेशन टू इंडिकेट इट्स ओरिजिन. वो कह रहे हैं कि अगर आपने वर्ड टू वर्ड कहीं से टॉपिक कहीं से कॉपी किया है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन मार्क्स में लिखिए. और हमको ये भी साइटेशन भी देना पड़ेगा कि इसका ओरिजिन कहाँ है, मतलब कहाँ से आपने इसको लिया है. फिर गाइडलाइन थ्री क्या है, वेन वी समराइज अदर्स वर्क वी यूज योर ओन वर्ड्स टू कंडेंस एंड कन्वे अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस इन अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल. ये पैराफ्रेजिंग का तरीका बता रहे हैं कि जब हम किसी दूसरे के काम का पैराफ्रेजिंग करना चाहते हैं, समराइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम कीजिए अपने शब्दों में लिखिए, छोटा लिखिए, और जो ओरिजिनल काम है उसको शॉर्टर वर्जन में आप दिखा सकते हैं. फिर गाइडलाइन फोर क्या है, व्हेन पैराफ्रेजिंग अदर्स वर्क नॉट ओनली मस्ट वी यूज योर ओन वर्ड्स बट वी मस्ट आल्सो यूज अवर ओन सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर. वो कह रहे हैं कि सिर्फ अपने शब्दों में मत लिखिए, बल्कि जो शब्द विन्यास है, वाक्य विन्यास है, वो भी आपका अपना होना चाहिए. गाइडलाइन फाइव, whether we are paraphrasing or summarizing, we must always identify the source of our information. यानी कि पहली बात अपने शब्दों में लिखिए, दूसरी बात छोटा लिखिए, तीसरी बात भाषा वाक्य विन्यास भी बदलिए, और चौथी बात ये बताइए भी कि आपने कहाँ से लिया, यानी कि आप इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से ली गई, उस सोर्स को साइट करना जरूरी है. फिर गाइडलाइन सिक्स क्या है, व्हेन पैराफ्रेजिंग एंड और समराइजिंग अदर्स पर वी मस्ट इंश्योर दैट वी आर रिप्रोड्यूसिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द अदर ऑथर्स आइडियाज और फैक्ट्स एंड दैट वी आर डूइंग सो यूजिंग अवर ओन वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. वो कह रहे हैं कि जब आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो उस ऑथर ने लिखा है और जो उसका अर्थ निकल कर आ रहा है, आपकी राइटिंग से भी वही अर्थ निकल कर आए. इनमें अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, और हमको अपने शब्दों में लिखना है. और गाइडलाइन सेवन क्या है, इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेक द टाइप्स ऑफ सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशंस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट दैट रिजल्ट इन ए प्रॉपर पैराफ्रेज वन मस्ट हैव ए थॉरो कमांड ऑफ द लैंग्वेज एंड ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडियाज एंड टर्मिनोलॉजी बीइंग यूज्ड. तो ये कब आप कर पाएंगे कि आप वही अर्थ भी निकल कर आ रहा है, शब्द भी आपके अपने हैं, वाक्य विन्यास भी आपने बदल दिया है. ये सब तब होगा जब हमको भाषा पे कमांड होगा, जो कि नहीं होता है हमारे पास. हमको विचारों की और वो जो टर्मिनोलॉजी जो उसने ओरिजिनल ऑथर ने यूज़ किए, उसको हमको अंडरस्टैंडिंग होगी, जो हम जनरली नहीं रखते हैं. इसीलिए हम पैराफ्रेजिंग अच्छी नहीं कर पाते और वो प्लेजराइज्ड हो जाता है हमारा टेक्स्ट. और गाइडलाइन एट, व्हेन इन डाउट एज टू वेदर अ कंसेप्ट और फैक्ट इज कॉमन नॉलेज प्रोवाइड अ साइटेशन. कहा जाता है ना कि अगर आप कॉमन नॉलेज यूज कर रहे हैं, तो आप साइटेशन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, मतलब नहीं लगाने की जरूरत है. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इंडिया हैज गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, इसका साइटेशन लगाने की आपको जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीबडी नोज इट, है ना. तो वो कह रहे हैं कॉमन नॉलेज जो है उसके लिए साइटेशन मत लगाइए, लेकिन अगर आपको डाउट है कि ये कॉमन नॉलेज में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप साइटेशन दे दीजिए. इतना अगर आप करें तो आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं कुछ हद तक. फिर प्लेजरिज्म का डिटेक्शन, देखिए जब से ये आपका सब ऑनलाइन हो गया ना, डिजिटल हो गया, आपका सॉफ्ट कॉपी में चला गया, तो प्लेजरिज्म डिटेक्शन बहुत आसान हो गया है. पहले बहुत मुश्किल था. तो आपको पता होगा कि चूंकि यूजीसी ने देखा कि जो हमारा हायर एजुकेशन है, जिसका मेन काम रिसर्च होना चाहिए था, वो ओरिजिनल रिसर्च नहीं हो रही है, तो यूजीसी ने प्लेजरिज्म डिटेक्शन की बात की और इंफ्लिपनेट सेंटर बनाया गया है, जिसको कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं. और अब उसको सॉफ्टवेयर दिए गए हैं कि आप प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कीजिए. जो भी हायर एजुकेशन की फैकल्टी हो, या रिसर्च स्कॉलर हो, या स्टूडेंट हो, कुछ सबमिट कर रहा है, कुछ अपलोड कर रहा है, तो वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, प्लेजराइज्ड नहीं होना चाहिए. तो आपको पता होगा कि पहले उर्कुंड चल रहा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल एकदम रिसेंटली सेंटर ने चेंज कर दिया है अपना डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. और जो नवीनतम है उसका नाम ड्रिल बिट एक्सट्रीम है.
In FlibNet, Center is providing Drillbit Extreme Plagiarism Detection Software to higher education institutions under the Shodh Shuddhi program from 1st October 2023 onwards. देखिए हम लोग नवंबर में बात करें, मतलब नवंबर जा रहा है, लेकिन पहली अक्टूबर से ये प्रोग्राम चल गया है. शोध शुद्धि नाम से स्पष्ट है, शोध मतलब रिसर्च और शुद्धि यानी कि हम उसको प्लेजरिज्म से फ्री करना चाहते हैं. तो अबाउट शोध शुद्धि क्या है? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सब कमेटी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC ऑफ ई शोध सिंधु. अब शोध सिंधु का क्या है? जहाँ पे सारी रिसर्चेज आपकी सबमिट हैं, PhDs अपलोडेड हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड ए प्रोग्राम शोध शुद्धि विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर PDS टू ऑल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया सिंस September 1, 2019. यानी कि September 1, 2019 से ही ये कार्यक्रम चल रहा था कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर दे दिया गया. फिर क्या किया गया? अंडर द शोध शुद्धि इनिशिएटिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री वर प्रोवाइडेड एक्सेस टू ओरिजिनल ना फॉर्मरली उर्कुंड अ वेब बेस्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सिस्टम. यानी कि पहले जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम था वो उर्कुंड के नाम से था, लेकिन और ये इनिशिएटिव कब से चला था? जब फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्मरली MHRD यानी कि जो MHRD था उस वक्त का, उसने September 21, 2019 को ये कहा कि ये ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल इसको पढ़ा जाएगा, जो कि उर्कुंड नाम से जाना जाता था. ये हम मतलब सभी को जितना भी कुछ आप अपलोड करेंगे हायर एजुकेशन फैकल्टी या रिसर्चर उसको चेक करना होगा. और ये कब तक चला है? September 30, 2023 से चला है. फिर उसके बाद इन्होंने इसको ड्रिल बिट से चेंज कर दिया. स्टार्टिंग फ्रॉम October 1, 2023 द इंफ्लिबनेट सेंटर नाउ ऑफर्स द ड्रिल बिट एक्सट्रीम प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज पार्ट ऑफ द सेम शोध शुद्धि इनिशिएटिव. यानी कि शोध शुद्धि इनिशिएटिव ने पहले उर्कुन चलाया 30 सितंबर 2023 तक को चला, और उसके बाद 1 अक्टूबर से इसको ड्रिल बिट एक्सट्रीम कर दिया है. The trial phase for this software is scheduled for October 2023 with full-fledged service set to commence on November 1st. पहले उन्होंने एक महीने तक ट्रायल फेज में रखा और 1 नवंबर से इसको चला दिया है ड्रिल बिट. अब आप कुछ प्लेजरिज्म डिटेक्शन चेक करना चाहेंगे तो ये ड्रिल बिट के थ्रू होगा. और टफ है UGC. अब हम जान लें कि UGC ने हमारे लिए भाई क्या बताया है कि आपको क्या करना है, कितने लेवल तक का प्लेजरिज्म हम एक्सेप्टेड है. तो इसके लिए इसने 2018 में एक रेगुलेशन आया था, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन HEIs. यानी कि अकादमिक अखंडता का प्रमोट करना और साहित्यिक चोरी जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो रही है उसको रोकना. तो इसके लिए उन्होंने कहा कि टू क्रिएट अवेयरनेस about responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and prevention of misconduct including plagiarism in academic writing among student, faculty, researcher and staff. यानी कि हम एक जागरूकता हो सके कि हम रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट करें, चाहे रिसर्च लिख कर रहे हों या थीसिस लिख रहे हों और डिजर्टेशन लिख रहे हों, तो हम एकेडमिक इंटीग्रिटी का उसमें ख्याल रखें. टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू फैसिलिटेट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च थीसिस डिजर्टेशन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड डिटरेंस फ्रॉम प्लेजरिज्म. यानी कि मतलब हम उनके एजुकेट करें, ट्रेनिंग दें ताकि हम सही मात्रा में रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट करें रिसर्च थीसिस डिसर्टेशन एक्सेट्रा में. और क्या करें? टू डेवलप सिस्टम्स टू डिटेक्ट प्लेजरिज्म एंड टू सेटअप मैकेनिज्म्स टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म एंड पनिश अ स्टूडेंट फैकल्टी रिसर्चर और स्टाफ ऑफ HEI कमिटिंग द एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म. वो कह रहे हैं कि अगर HEI के किसी स्टाफ ने, चाहे वो स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, रिसर्चर हो, अगर उसने प्लेजरिज्म किया है तो आप उसको डिटेक्ट कीजिए और आप उसको रोकिए और उनको पनिश भी कीजिए, सजा मिलेगी अब इसके लिए. तो लेवल सेट कर दिया गया है प्लेजरिज्म एंड पेनल्टी फॉर टीचर्स कि अगर लेवल, देखिए चार लेवल है इन्होंने बताया है कि लेवल जीरो है अगर आपका 10% या उससे कम है सिमिलैरिटी का लेवल, तो ये माइनर सिमिलैरिटी है तो इसके लिए आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं. यानी कि हमारा टास्क क्या होना चाहिए कि हमने जो भी राइटअप लिखा है उसके लिए प्लेजरिज्म का लेवल 10% या उससे कम आए, लेकिन अगर हमारा सिमिलैरिटी का लेवल 10% से 40% के बीच में आता है तो ये लेवल 1 के अंतर्गत आता है. और यहाँ पे हमसे कहा जाएगा कि आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट विदड्रॉ कर लीजिए, यानी कि आप रीराइट करिए क्योंकि आपने बहुत सारा प्लेजराइज्ड टेक्स्ट यूज किया है.
फिर अगर हमारी सिमिलैरिटी का लेवल यानी हमारे आर्टिकल की सिमिलैरिटी का लेवल 40% से 60% के बीच में आता है तो ये लेवल 2 के अंतर्गत आएगा और इसमें क्या कहा जाएगा, अगर टीचर हैं तो शैल बी डिनाइड अ राइट टू, टू का टी नहीं टाइप हुआ है, वन एनुअल इंक्रीमेंट एंड नॉट बी अलाउड टू बी अ सुपरवाइजर टू एनी न्यू स्कॉलर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। आप देख सकते हैं कि पेनाल्टी का लेवल क्या है, वो कह रहे हैं कि आपको एक एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते किसी नए स्कॉलर के 2 सालों तक, अगर आप निकाल आपने कुछ सबमिट किया है, कुछ आपने अपलोड किया है, कुछ आपने लिखा है और उसमें सिमिलैरिटी का लेवल 40% से 60% के बीच में आ रहा है तो, और अगर सिमिलैरिटी का लेवल 60% से ऊपर चला गया जो कि लेवल 3 में आएगा तो वो कह रहे हैं कि शैल बी डिनाइड अ राइट टू 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट। आपको 2 साल का अपना एनुअल इंक्रीमेंट छोड़ना पड़ेगा, मतलब आप 2 साल तक आपको कोई एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं और कोई भी आपको न्यू स्कॉलर नहीं मिलेगा 3 सालों तक। तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए, है ना। तो हमारा मुख्य मुद्दा, मुख्य हमारा टास्क, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि सिमिलैरिटी का लेवल 10% से कम रहे। और अगर रिसर्च स्कॉलर प्लेजरिज्म कर रहा है, प्लेजरिज्म में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए क्या करें, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल एक बना लीजिए, IAIP वो कह रहे हैं, और वो पेनल्टी लगाएगी बच्चों पर, रिसर्च स्कॉलर पे। कैसे, अगर लेवल 0 है तब तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेवल 1 है तो उनसे कहा जाएगा आस्क टू सबमिट अ रिवाइज स्क्रिप्ट, आप अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज करके 6 महीने से ज़्यादा का समय मत लीजिए और रिवाइज करके उसको फिर से जमा कीजिए। और अगर लेवल 2 आ रहा है तो उनको क्या किया जाएगा, सबमिटिंग ए रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब आप 1 साल तक अपनी रिवाइज स्क्रिप्ट नहीं जमा कर सकते, यानी 1 साल आपका डीले हो गया। और अगर लेवल 3 है तो ऐसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन PhD में कैंसिल किया जा सकता है, कि मतलब 60% से ज़्यादा आपका प्लेजराइज्ड है, यानी कि आपने अपना काम क्या किया है। जबकि क्या होता है कि रिसर्च का मतलब क्या है, आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है नॉलेज के स्पैन को बढ़ाने के लिए, नॉलेज स्पेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपका प्लेजरिज्म का लेवल हर दशा में 10% से कम रहना चाहिए, यानी कि आप ओरिजिनल काम करिए, यानी कि आप किसी से देख के मत लिखिए, यानी कि आपने जो किया है उसको ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टी के साथ बताइए, ये मतलब है। तो आई थिंक इट हैज़ बिन कम्प्लीटेड। यस, तो प्लेजरिज्म पे अलग से बात करने को बहुत दिनों से मैं सोच रही थी और इसका मौका नहीं मिल रहा था, तो फाइनली मैंने आपसे प्लेजरिज्म पे बात कर ली है और आई थिंक कि अब आप समझे होंगे थोड़ा कि साहित्यिक चोरी क्या है, हमको साहित्यिक चोरी नहीं करनी है। अगर हम कहीं से भी कुछ लिख रहे हैं तो आप उसको कोट कीजिए, वर्ड टू वर्ड लिख रहे हैं तो डबल कोटेशन में लिखिए, साइटेशन दीजिए, और अगर पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो उसको अपने शब्दों में लिखिए, कंडेंस्ड होकर लिखिए, और जिससे भी जहां से भी आप कुछ कोट कर रहे हैं रेफरेंस डालिए, अपने नाम से उसको मत लिखिए, यानी कि आप ना ही आइडिया और ना ही टेक्स्ट की किडनैपिंग कीजिए, तब तो आपका जो राइटअप है वो 10% से कम सिमिलैरिटी लेवल में जाएगा और आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, नहीं तो आप समझ सकते हैं आपको क्या क्या पेनल्टी झेलनी पड़ सकती है, चाहे आप फैकल्टी हो या रिसर्च स्कॉलर हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन, एंड आई हैव डन एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक अबाउट प्लेजरिज्म विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, डन फ्रॉम सेट।